हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेट। और आज हम बात करने वाले हैं द मच अवेटेड मूवी यानी कि पुनियन सेल्वन के टीजर के बारे में पार्ट वन के। और फाइनली मूवी का टीजर आ चुका है। ये टीजर 1 मिनट 20 सेकंड का टीजर है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह मूवी बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इससे पहले भी हमने पुनियन सेल्वन पर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी PS1 के बारे में, चाहे वो कैरेक्टर की बात हो, चाहे वो डायरेक्टर की या फिर म्यूजिक कंपोजर की, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस वीडियो में। और फाइनली मूवी का टीजर आ चुका है, ऑलमोस्ट 5 लैंग्वेजेस में इसे रिलीज किया गया है। और टीजर देखने के बाद काफ़ी यूनिक फील हो रहा है और मणि रत्नम के इस कंटेंट को देखने के बाद काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं। और अभी बात करते हैं मूवी के टीजर के बारे में, क्योंकि यह मच अवेटेड टीजर है पार्ट वन का। और मूवी में जिस तरह का ग्राफिक्स यूज किया गया है, और टीजर के दौरान बैकग्राउंड में चल रहे ऑस्कर विनर AR रहमान का कंपोज किया गया BGM, जो कि रोंगटे खड़े करने के लिए ही काफी है पुनियन सेल्वन के फैंस के लिए। जैसा बताया गया था कि टीजर में आपको काफी अलग देखने को मिलेगा, और फाइनली टीजर देखने के बाद काफी एक्साइटेड सा लग रहा है, चाहे विक्रम सर का कैरेक्टर हो या JM रवि सर का कैरेक्टर हो। और सोभिता धुलीपाला का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है टीजर में। और वहीं बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो वह एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाली हैं, और उन्हीं के अपोजिट त्रिशा मैम, जो कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाली हैं एज अ कपल। और ऐश्वर्या राय बच्चन और त्रिशा मैम का एक टशन होने वाला है मूवी में, क्योंकि यह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाली है मूवी में। टीजर में कुछ भी फिगर्ड आउट नहीं हो पाया है, क्योंकि बैकग्राउंड में ओनली म्यूजिक ही चल रहा होता है और डायलॉग भी काफी कम है, यानी कि ना के बराबर। आपको एक ही डायलॉग अच्छा लगेगा जब विक्रम चयन सर हाथ में झंडा लेकर फहराते हुए नजर आते हैं, वही डायलॉग आपको अच्छा लगेगा। और PS1 का टीजर ओनली एक थीम पर ही चलता है, बाकी ट्रेलर आने पर क्लियर हो जाएगा। और टीजर जो भी निकल कर आया, काफी जबरदस्त लग रहा है टीजर देखने के बाद। टीजर देखने के बाद आप किसी के भी काम पर शक नहीं कर सकते, चाहे वो मणि रत्नम का कंटेंट हो या फिर AR रहमान का कंपोज किया गया म्यूजिक हो या फिर सारे कैरेक्टर हो, काफी अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है। और टीजर देख के आपको यह पता चल जाएगा कि आखिरकार मूवी में होने क्या वाला है। और इस बार मणि रत्नम ने अपनी अपकमिंग ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए काफी अच्छी तैयारी की है। वह ये चाहते हैं इस मूवी को ग्लोबली लेवल पर रिलीज किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंटेंट को देख सकें। और उनका मानना है कि यह मूवी एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकती है इंडियन सिनेमा को। और PS1 का टीजर देखने के बाद सारे फैंस काफी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि यह 30 दिसंबर को रिलीज होने वाली है वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया लेवल पर। बस अभी ट्रेलर का इंतजार है, और उसको देखने के बाद एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि मूवी में आपको देखने को मिलेगा क्या। और पार्ट वन का टीजर आपको कैसा लगा, और आप कितने एक्साइटेड हैं अपकमिंग ट्रेलर के लिए, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के बारे में कोई सुझाव या शिकायत करनी हो तो हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आकर मैसेज कर सकते हैं या फिर क्वेरी कर सकते हैं मूवी के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।